सो फ्रेंड्स, प्रीव्यू में जिस तरह का ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो आपने देखा, कुछ इस तरह का वीडियो आपको बनाना है और उसके बाद आपको दूसरी वीडियो में ऐड करना है, तो कैसे करते हैं मैं आपको पूरा ए टू जेड बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विशाल नाथ और आप देख रहे हैं यूआर वी एडिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास है बीस्ट वीपीएन कैपकट ऐप, तो ये दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको बीस्ट वीपीएन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम बीस्ट वीपीएन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका वीपीएन जो कि कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम वीपीएन को कनेक्ट कर लिया, उसके बाद बैक हो जाते हैं और यहाँ पर आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप टैप कीजिए और यहाँ पर आपको ऐड कीजिए। तो यहाँ से हम ऐड कर लिया। उसके बाद जो लेफ्ट से आपको स्क्रॉल कर लेना है। करने के बाद रेशियो पे क्लिक करना है, 9:16 पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से स्क्रॉल करके यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम रोटेट 90 डिग्री रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पर आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कि MP3 साउंड है तो आप ऐड कर सकते हो या फिर आप वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से हम वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वीडियो 6 सेकेंड का है तो यहाँ पर इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा वीडियो का म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर जो कि इसका लेंथ, हम ब्लैक स्क्रीन को टैप करके यहाँ से हम इसको 6 सेकेंड पे रख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको लेंथ बढ़ा देना है 6 सेकेंड तक। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट से स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बीट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम बीट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम म्यूज़िक को सुन लेते हैं। तो आप भी म्यूज़िक को हेडफोन से सुन लेना है। तो यहाँ से हम प्ले करके सुन लेते हैं और तो यहाँ से हमारा जो म्यूज़िक का लाइन ख़त्म होता है। तो यहाँ से हम ऐड बीट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट फिर से प्ले करना है। तो उसके बाद यहाँ पर ऐड बीट करना है। तो यहाँ से हमारा जो वेब है कुछ यहाँ पर ऐड बीट लगा देना है जो कि हमारा म्यूजिक का लाइन है, फिर से लगाना है। तो कुछ इस तरह से आपको ऐड बीट करना है। अगर आपका बीट सही जगह में बैठता नहीं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा डिलीट बीट भी आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आपको ऐड बीट लगा देना है और यहाँ पर हम ऐड बीट लगा देते हैं। तो यहाँ से हम प्ले करके देख लीजिए। नेक्स्ट बीट यहाँ पर लगा देते हो। तो यहाँ पर ऐड बीट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में आना है और यहाँ से हम जो कि देख सकते हो हमारा बीट का डॉट दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैक होना है, फिर से बैक होना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लेफ़्ट से स्क्रॉल करके यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर टेक्स्ट पे टाइप करना है जो कि आपका गाने का लाइन आपको टेक्स्ट करना है। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो हम टाइप कर लेते हैं। देख सकते हो हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि फ्रंट सिलेक्ट करना है। तो आप कोई भी फ्रंट सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो पसंद है। तो यहाँ से हम एक फ्रंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला फ्रंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आपको लेफ्ट से स्क्रॉल करके यहाँ से
आपको कलर चूज कर लेना है। तो यहाँ से हम जो कि कलर को चूज कर लेते हैं, सो ये वाला कलर मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको एनिमेशन देना है। तो यहाँ से हम एक एनिमेशन को दे देते हैं, तो ये वाला दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि ये एरो का ऑप्शन दिखाई देगा आपको नीचे, उसको आप लेके कुछ इस तरह से आपको लेके आना है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 सेकंड से रख देता हूँ, तो आपका जो गाने का लाइन है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम नीचे बोइंग एनिमेशन, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेड जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है उसको हम लेफ्ट से राइट तक लेके आएंगे, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से लेके आएंगे और 1.4 सेकंड पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फास्ट में बीट, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से बीट के ऊपर लेके आएंगे ट्रेम करके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे लेफ्ट से स्क्रॉल करना है, कॉपी करना है और इसको टैप करके सेकंड बीट के ऊपर लेके आना है। नीचे वाला जो लेयर है उसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम जो कि ये टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। तो 1 टेक्स्ट को रख के आप यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ से हम जो नेक्स्ट लाइन है वो हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फास्ट का जो टी है उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, कुछ नेक्स्ट बीट के ऊपर लेके आना है। तो ऐसे करके आपको सारे टेक्स्ट को कॉपी करके ऐसे आपको रख लेना है। तो यहाँ से हम फटाफट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो हमने सारे टेक्स्ट को ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो लास्ट का जो बीट है वो हम रॉन्ग बीट लगा दिया, तो हमको ये डिलीट करना है। तो यहाँ पर आपको बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक के ऊपर टैप करके यहाँ पर लेफ्ट से बेस बीट्स को क्लिक करना है और यहाँ से हम ये वाला लेंथ को कुछ इस तरह से लेफ्ट से राइट तक लेंगे और यहाँ पर आपको डिलीट बीट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कि बैक हो जाना है, तो यहाँ से हम बैक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम जो कि लास्ट का जो टेक्स्ट है वो हम कुछ इस तरह से लेंथ को बढ़ा देंगे। वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पर ऊपर एरो दिखाई देगा उसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जो कि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट बताऊँगा। सो यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर से वही वाला प्रोजेक्ट पर आ जाना है जो अभी एडिट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके स्टाइल पे क्लिक करके और यहाँ से हम स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम वाइट कर देते हैं और यहाँ पर आपको टिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, तो यहाँ से हम स्टाइल के ऊपर क्लिक करके उसके बाद फिर से स्टाइल के ऊपर क्लिक करके वाइट कर देंगे, टिक कर देंगे। ऐसे करके आपको सारे टेक्स्ट को जो कि वाइट कर देना है, तो यहाँ से हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे टेक्स्ट को मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ से हम एरो के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डन कर देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वाइट वाला जो ब्लैक स्क्रीन है उसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम ऐड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओवरले के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। ब्लू वाला जो टेक्स्ट है वो हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरह से, मैं जैसा कर रहा हूँ। सो उसके बाद यहाँ पर आपको बैक होना है, फिर से बैक होना है। इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट पे जाना है, तो यहाँ से हम लाइट इफेक्ट पे चले जाते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको एंजल जो उसके ऊपर टैप करना है,
और इसके बाद यहाँ पर आपको ठीक कर देना है। ठीक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लेंथ को बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ओवरले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ये वाला वीडियो को ले लेते हैं। तो उसको ऐड करने के बाद और यहाँ से ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। उसे हम उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लेंड के ऊपर क्लिक कर लेना है, करने के बाद यहाँ पर आपको लाइट एंड के ऊपर क्लिक कर लेना है, करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर लेना है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।